Basa bana iki yavrumuz kurum. So hey guys and welcome back to the channel again. और आज एक बहुत खूबसूरत मॉर्निंग हो गई है, 10:30 बज गए वैसे. मैं लेट हो गया, मेरे को एक्चुअली गाड़ी सर्विस कराने लेके जाना है आज. तो आप यहाँ देखो, ये 1,30,000 अपने गाड़ी को कंप्लीट हो गया आज. आज तो नहीं वैसे, पहले कंप्लीट हो गए थे. 85 किलोमीटर मैंने ऊपर चला दी वैसे गाड़ी, उससे कोई इतना वैसे फर्क पड़ता नहीं. पर यही है कि सुबह सुबह इसलिए जल्दी निकला हूँ कि यार आज मैं गाड़ी वापस मिल जाए, और कहीं पर जाना हो, कुछ काम करना हो तो फिर गाड़ी अवेलेबल रहे. आप गाड़ी अभी तो एक ही है घर पे, तो इस वजह से तो अभी जा रहा हूँ इधर पीछे. मेरे घर के पास ही ओम ट्रेवटा का अपने झोटवाड़ा में ही है, झोटवाड़ा डस्ट ले गया जो आता है, तो बस वहीं पे जा रहा हूँ. धूप तो तगड़ी हो रखी है वैसे आज भी. ये देखो कैसे दिवाली की जो यहाँ तैयारियाँ होती हैं ना, वो चालू हुए. देखो जयपुर में दशहरा कल ही गया है और बस अभी सजाना चालू हो गया. अभी इतना ज़्यादा भर जाएगा ना ये धीरे धीरे. ये तो इन्हें स्टार्ट किया है, अभी लाइट्स वगैरह ये सब इतना लगाते हैं. और वॉल्ड सिटी में तो खतरनाक लेवल से ये लोग जो है ना डेकोरेशन करते हैं यहाँ की. अभी भी देखो कितना अच्छा लगने लग जाता है, दिवाली के दिनों में स्टार्ट हो जाता है 10-15 दिन पहले ही. ऐसा तगड़ा जाम लगा है ना यहाँ पे. देखो ये एक्चुअली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा रहता है ना यहाँ पे इस टाइम. गलती ही कर दी यार यहाँ से आके. ये आ गई जी टोयोटा. हाँ सर्विस ना पार्थ. तो भाई देखो अब जाके गाड़ी मिली अपने को, शाम के 6-10 हो गए. तो बस मैं अभी गाड़ी लेके आया. एक्चुअली जो टोयोटा वाले ना वो शूट करने नहीं देते अंदर कुछ भी, तो चाहते नहीं कि आप कैमरा लेके अंदर आओ उनके वर्कशॉप में. तो बस अभी मैं सर्विस करा के आया हूँ, गाड़ी एकदम चमचम आ गई. जो चीज़ें ठीक करवानी थी वो करवा ली, और बिल मेरे हाथ में. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी बिल का अपने क्या अमाउंट आई है. तो आप यहाँ देखो 9,106 रुपये का अपना कॉस्टिंग आई है टोटल, जिसमें लेबर आपकी है 3,502 रुपये की लेबर है, 5,600 रुपये के पार्ट्स हैं, और बाकी सारा टैक्स टूक्स मिला के जो ये टोटल इन अमाउंट ये बना के इनने दिया है मेरे को. गाड़ी में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें चेंज हुई, 3,000 कुछ का ऑयल है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है. इस बार एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, जो गाड़ी का एयर फिल्टर है वो इनका चल जाता है वैसे काफ़ी. मैंने आई थिंक 90,000 रुपये डलवाया था, तो अभी 1,30 है, तो देख लो कितना अच्छा खासा चल गया, 40,000 चल गया. तो 2,500 रुपये का वो आ गया एक्स्ट्रा, नहीं तो 7,500 के आसपास, 7,500 के आसपास की हमेशा सर्विस हो जाती है. तो बस अब ये है, अब अलाइनमेंट भी करानी थी, बट अभी अलाइनमेंट का तो मेरे को लग नहीं रहा कि अभी स्कोप है, क्योंकि देखो लाइट चली गई काफ़ी, और वो वैसे भी रात को थोड़ा रोड साइड पे करते हैं तो मुश्किल है. तो हाँ, तो जी आज है नेक्स्ट डे, और अभी 12:30 बजे हैं. आज फिर से लेट हो गए, आज ज़्यादा ही लेट हो गए, बट क्योंकि लेट होना भी सही है, क्योंकि इन्हें बोला था अलाइनमेंट कराने जाए उन्होंने बोला था कि टाइम लगेगा. तो यहाँ आते हैं देखो अलाइनमेंट कराने. बस अभी गाड़ी लगा दूं और फिर आगे आपको बताता हूं मैं क्या प्रोसेस रहेगा. तो जी अब मैंने अलाइनमेंट करा ली थी गाड़ी की, और ये लोकेशन काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि मेरे पीछे देख रहे हो ये देखो क्रेटा खड़ी है एक, तो ये मेरे फ्रेंड की क्रेटा है. तो आज टाइम मिला, थोड़ा लाइट वाइट भी अच्छी थी, तो मेरे को लगा कि आके क्रेटा के बारे में एक वीडियो ही बना देते हैं. तो चैनल पे एक और एक रिव्यू आएगा, पीछे वरना का ही लास्ट डला था, तो उसके बाद मेरे को लगा कि चेंज करके क्रेटा का वीडियो लाते हैं. और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द रिव्यूज़ बनाने, क्योंकि मैंने देखा चैनल पर जो रिव्यूज़ हैं गाड़ियों के वो काफ़ी अच्छे चलते हैं. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके गाड़ियाँ मैं ला पाऊँ चैनल पे नई. तो बस इसका भी शूट कर लिया मैंने, इंटीरियर वॉक अराउंड कर लिया, और इंटीरियर इंजन और इन सब को चीज़ों को कवर कर ली. बस अब ड्राइव वीडियो बनाना है, ड्राइव करके जो दिखाना है वो वाला पार्ट रह गया. और बस मौसम अच्छा है आज. और हाँ, ये सब चीज़ें छोड़ो, तो अलाइनमेंट की पहले बात करें. तो अलाइनमेंट मैंने करा ली थी गाड़ी की, उसमें मैं जितना शूट कर पाया मैंने डाल दिया है वीडियो में, ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा. और साथ साथ
कितने पैसे लगे, 700 रुपये लगे, दो टायर की बैलेंसिंग हुई थी, मतलब दो टायर में वेट ऐड हुआ और बाकी अलाइनमेंट थी और टायर रोटेशन थी, तो अपनी गाड़ी का पूरा काम अभी कंप्लीट हो गया है। तो बस आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को यहीं अच्छी लगे, क्योंकि यहीं बंद कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ आगे है नहीं, मेरे को थोड़ा वीडियो पर भी फोकस करना है गाड़ी वाले, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं और बात करने के लिए। तो अच्छा लगा ये वीडियो इनोवा की, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि अलाइनमेंट में 600-700 रुपये लगते हैं और साथ साथ जो सर्विस का मैंने वो भी आपको सारा बता दिया। तो भाई आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं आपसे मिलूंगा एक ऐसी और एक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।